तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो पता चली गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे राइट या लेफ्ट साइड पे कई बार तो आपको एक रील का प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको भी इस तरीके का रील बनाना होगा तो उसे आप कैसे बना सकते हो उसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और एक बात, इस जिम के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक नए नए ट्रेंड आएंगे उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस जिम के टॉपिक के रिलेटेड जितने भी रील्स आएंगे उनका ट्यूटोरियल आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ये वाले रील के ट्यूटोरियल को अभी शुरुआत कर देते हैं। तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर आपको एक परफेक्ट रील बनानी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका खुद का एक जिम में वर्कआउट करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है और उस वीडियो की लेंथ मिनिमम 6 सेकंड की होनी चाहिए। 6 सेकंड से ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पे भी दिखाई दे देगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन के नीचे एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक फोटो और वीडियो का ऑप्शन है, तो वीडियो के ऑप्शन पर चले जाना है। ऊपर आपको एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, ऑल के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर से सारे फोल्डर्स की लिस्ट आ जाएगी, तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो वीडियो रखा होगा उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करना है और उस वीडियो को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको एक फोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटो के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। फोटो के ऑप्शन के ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पर अभी आपको एक फोटो ऐड करनी है जिसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये वाला फोटो आपको ऐड करना है, तो ये वाला फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहीं पर से भी आप इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आपको इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक फॉरवर्ड एरो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपने सिलेक्ट किया हुआ वीडियो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर फोटो भी आपको दिखाई दे देगा। फोटो के बाद में यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिखाई देगा, तो इस स्क्रीन को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद वीडियो के आपको स्टार्टिंग पे चले आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओरिजिनल का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक 9:16 का फ्रेम रेशो है, इसे आपको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर टैप कर देना है। इसके बाद ये जो वीडियो आपने ऐड किया, तो वीडियो का बार आपको नीचे दिख रहा होगा, तो वीडियो के बार को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, वॉल्यूम के ऑप्शन पर चले जाना है और ये जो वॉल्यूम है इसे आपको जीरो करना है और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको चले जाना है। यहाँ पर म्यूजिक के ऑप्शन पे चले जाना है। अभी ये जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आपको इस बैकग्राउंड ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए ऑडियो के सामने आपको एक चूज का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आ जाएंगे, तो वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 करना है, फेड इन और फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको चले जाना है। अभी यहाँ पर आपको एक बीट ऐड करनी है, तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। जहाँ पर मैं अभी टैप कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 लिखा हुआ है, तो आपको इस तरीके से इस ऑडियो के बार को आगे लेके जाना है। यहाँ पर 5.99 जिस पॉइंट पर आ जाता है वहाँ पर जाके आपको रुक जाना है। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 5.99 आ चुका है, तो इस पॉइंट पे आके नीचे आपको एक रेड कलर का फ्लैग दिख रहा होगा, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सर्कुलर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार के उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ ये ऑडियो का बार है, तो इसे आपको देख सकते हो इसमें आपको एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर दिख रही है, तो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो नीचे वीडियो का बार है इसे सिलेक्ट करना है। वीडियो के बार को सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक स्प्लिट का ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। स्प्लिट करोगे तो उस पॉइंट पर वीडियो के दो हिस्से हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड का बचा हुआ हिस्सा इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसे डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड आपका फोटो दिख रहा है, तो फोटो का ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है और जहाँ पर जाके ऑडियो का बार जो है वो एंड होता है उस पॉइंट तक आपको इसे ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग पे आपको चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टैप टू ऐड सबटाइटल लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाना है, स्टैंडर्ड पे चले जाना है और यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर आपको जैसे दिख रहा है वैसे आपको टाइप करते जाना है।
तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक AA का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर जाके आपको जो भी फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करोगे तो लास्ट में आपको बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसमें से आपको जो भी पसंद है वो टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ब्लैक और व्हाइट वाला जो टेम्पलेट है इसे सिलेक्ट करने का सजेशन दे दूंगा। तो इस तरीके से इसे सिलेक्ट करना है, इसका पोजीशन आपको कुछ इस तरीके से वीडियो के नीचे के साइड पे इस तरीके से रख देना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ग्रीन कलर का जो बार है वो आपके टेक्स्ट का बार है, उसके राइट और लेफ्ट साइड में आपको दो एरो दिखेंगे। तो राइट साइड के एरो को आपको ऐसे ड्रैग करना है और जहाँ तक आपका वीडियो एंड होता है, फर्स्ट वीडियो जो आपने ऐड किया जहाँ पर आपके ऑडियो के बाद में फर्स्ट वर्टिकल लाइन दिख रही है वहाँ तक आपको इसे ड्रैग करके ले लेना है। इतना हो जाने के बाद अगर आपको इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो यहाँ पर परफेक्ट एक रील आपका रेडी हो चुका है। इसके बाद इस वीडियो को अगर आपको आपके मोबाइल में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वीडियो जो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेव टू एल्बम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो वीडियो आपने बनाया हुआ है ये आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।